हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका, आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, पुलिस कांस्टेबल, SI, कोई भी वैकेंसी हो, सभी एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पर पहुँच पाए, जो कि डेली बेस पर कराया जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल जो है 14 सितंबर को पूरे देश में किस दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है? तो इसको कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसको पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है क्योंकि जो हिंदी जो भाषा है ये हमारी मातृभाषा है। तो इसको लोगों को जागरूक करने के लिए, साथ ही साथ बहुत सारे जो देश में हिंदी जो भाषा है हमारी, बहुत सारे देश में भी बोला जाता है, जैसे आपका नेपाल, फिजी, भारत में तो बोला जाता है, और बहुत सारे सिंगापुर वगैरह में, पाकिस्तान भी जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए जो हिंदी भाषा के दिवस को खास करके पूरे देश में मनाया जाता है और लोगों को जागरूक करने के लिए, इस भाषा जो हमारी मातृभाषा है तो इसको लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया कप 2023 में सुपर फॉर मैच के दौरान किस खिलाड़ी ने 10,000 वनडे रन पूरे किए हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या इनमें से कोई नहीं? तो रोहित शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रोहित शर्मा को तो सभी जानते होंगे, हमारे भारत के जो जाने माने इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं। तो हाल ही में जो एशिया कप जो हुआ है 2023 में, तो इन्होंने सुपर फॉर जो मैच के दौरान इन्होंने, ये जो रोहित शर्मा जी ने, इन्होंने 10,000 वनडे में इन्होंने पूरे रन किए हैं। तो इसको याद रखेगा रोहित शर्मा, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसको द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस जो कंपनी है, नेस्कॉम के नाम से इसको जाने माने सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके उपाध्यक्ष जो नामित किसको किया गया है? तो हमारे भारत के जो सिंधु गंगाधरन है, इनके जो सॉफ्टवेयर, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस जो कंपनी है, नेस्कॉम का फुल फॉर्म है, तो नेस्कॉम का जो कंपनी के हाल ही में इनको उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बात करता हूँ मैं नेस्कॉम की। नेस्कॉम इसकी स्थापना किया गया था आपके 1 मार्च 1988 में स्थापना किया गया था और नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है और न्यू दिल्ली में भी इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अभी इनको उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है। इसके जो चेयरमैन अभी वर्तमान में कौन है? तो जो कृष्णन जो रामानुजन है वर्तमान इसके चेयरमैन है और उपाध्यक्ष शिशु गंगाधरन है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध रुद्रवीणा जो प्रतिपादक हैं, उस्ताद अली जो जाकिर हैदर का, नई दिल्ली में कितनी वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है? तो याद रखिए 50 साल के एज में जो वीड़ा जो प्रतिपादक है, जाने माने प्रसिद्ध वीड़ा जो प्रतिपादक वादक है, उस्ताद जो अली जाकर जो इनके जो हैदर हैं, इनके हाल ही नई दिल्ली में यहाँ पे इनका डेथ हो गया है। ये इनका जो एज लगभग 50-51 के आसपास इनका एज था, तो इनका हाल ही में डेथ हो गया। तो इसको याद रखिए। निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका वीड़ा प्रतिपादक है, इसको याद रख। संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्धि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने कितने एयर बस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? 5, 8, 9 या 10? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 10। तो बांग्लादेश ने फ्रांस के साथ 10 एयर बस विमान खरीदने के लिए कौन से देश के साथ समझौता किया है? तो आपके देख सकते हैं यहाँ पे फ्रांस के साथ इन्होंने समझौता किया है बांग्लादेश ने। तो यहाँ पे एयर बस विमान क्या होता है? तो एयर बस जो विमान होता है आपका, खासकर जो एयर बस विमान है आपका, एयर बस विमान एक निर्माता कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। तो एक हवाई जहाज़ बनाती है, तो हवाई जहाज़ बनाने के लिए जो है बांग्लादेश ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। जैसे हमारा जो राफेल जानते हैं, लगभग 35 या 36 जो राफेल हमारे फ्रांस से ही आया हुआ है,
बाकी ये जो है जो बांग्लादेश ने इनके साथ समझौता किया है ये आपका हवाई जहाज़ बनाने के लिए, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे बात करते हैं फ्रांस की, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहाँ के जो लैंग्वेज जो भाषा बोली जाती है फ्रेंच, यहाँ के लैंग्वेज बोली जाती है। प्रेसिडेंट कौन है, तो इमैनुअल जो मैक्रोन है यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो एलिजाबेथ बोर्न जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, जो कि हमारे भारत के दौरे में भी आए हुए थे। G20 की नई बात कर रहा हूँ, आपके इससे पहले भी दौरे में आए हुए थे, तो इसको याद रखिएगा। और बांग्लादेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी ढाका, और यहाँ के जो करेंसी इसको टाका के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है आपका शेख हसीना यहाँ के प्रधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1,00,000 करोड़ से भी अधिक की 9 औद्योगिक परियोजना का मंजूरी दी है, तो ओडिशा सरकार ने हाल ही में 1,00,000 से भी ज़्यादा करोड़ के बजट से जहाँ पे अधिक 9 औद्योगिक परियोजना का मंजूरी दी है, नए औद्योगिक यहाँ पे प्लांट वगैरह स्थापित किया जाएगा, लोगों को बहुत सारे लोगों को इसमें रोज़गार दिया जाएगा, साथ ही साथ उड़ीसा जो स्टेट है यहाँ के जो इकोनॉमी जो ग्रोथ यहाँ पे बढ़ सके, एक तरह का यहाँ पे अर्थव्यवस्था में सुधार भी होगी भारत में भी और यहाँ पे स्टेट में, तो इसी तरह की 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक की नवोद्योग परियोजना को मंजूरी दी है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा की बात कर रही हूँ, यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर है। बहुत सारे उड़ीसा से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपके लिंगराज मंदिर जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है, कलिंगा स्टेडियम, बारामती स्टेडियम सभी आपके यहाँ पे स्थित है, और साथ ही साथ कटक में उड़ीसा के कटक में चावल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, चिल्का लेक भी यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, कोणार्क का मंदिर, ये सभी आपके उड़ीसा से जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाटा स्टील बोर्ड ने किसे अपने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो TV नरेंद्रन हैं जो हमारे भारतीय मूल के हैं, इंडियन हैं, भारत के हैं, TV नरेंद्रन, जो कि इनको जो टाटा स्टील बोर्ड ने अभी MD और CEO के रूप में इनको नियुक्त किया। बाकी जो टाटा स्टील जो कंपनी है तो सब टाटा स्टील के लिए जानी जाती है, वो पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, तो आपका जो टाटा स्टील है आपका स्टील के लिए आपका उत्पादक कंपनी है, जो कि सभी जानते हैं, इनके जो कार वगैरह से बहुत ही फेमस है, ये आपके भारत सरकार के द्वारा ये जो इनको जो कंपनी है इसको प्रमाण पत्र भी आपका प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई है, जयपुर में, भोपाल में, लखनऊ में, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, यहाँ की राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। तो हाल में जो ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर जितने भी थे यहाँ के लखनऊ में 10 सितंबर को आत्महत्या दिवस लोगों को जागरूक करने के मनाया जाता है, बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर जो महिला वगैरह और पुरुष वगैरह रहते हैं इन लोग मतलब ये आपके लोगों के द्वारा बहुत प्रमाणित करते हैं, तो इसी के चलते लोग कोई मतलब आत्महत्या कर लेते, इसी को लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने 10 सितंबर में पूरा रोड में इन्होंने जागरूक करने के लिए यहाँ पे पूरा 1,000 से भी ज़्यादा लोगों के यहाँ पे रोड भी चले थे, तो ट्रांसजेंडर जो प्राइड वॉक आयोजित की गई थी लखनऊ में, इसको याद रखे लोगों को जागरूक करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा जो स्टेट है शीर्ष स्थान पर है, बिहार में, केरल, उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है हाल ही में जारी की गई है, यहाँ पे अनुसार सांसदों के द्वारा देखे बहुत सारे जो सांसद होते हैं, तो ये सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले में शीर्ष स्थान आपका केरल है, दूसरा में आपका बिहार है, तो इन जो सांसदों के द्वारा बहुत सारे किडनैपिंग के मामले देखे गए हैं, किडनैपिंग के साथ बहुत सारे घोटाला और बहुत सारे जो आपराधिक हत्या वगैरह के यहाँ पे आरोप इन पे लगाए हुए हैं, तो देख सकते हैं इसी मामले में जो केरल है ये सांसदों के यहाँ के खिलाफ आपराधिक मामले में केरल शीर्ष स्थान पर, सेकंड नंबर का आपका बिहार है, तो इसको याद रखें, तो लगभग केरल में देखेंगे 40% जो सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज की गई है, और यहाँ पे जो सांसद की औसत संपत्ति देखेंगे तो 38 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है इनकी, जो 38 करोड़ रुपये से भी यहाँ के सांसद की ये आपका जो इनके जो संपत्ति यहाँ पे दर्ज की गई है, और केरल के तो हो गए, बिहार में सबसे ज़्यादा यहाँ पे 50
4% 54% यहाँ पे बिहार का सबसे ज़्यादा है आपका, यहाँ के जो सांसदों के खिलाफ जो है आपराधिक इसमें दर्ज की गई है, तो इसको याद रखिए 56% यहाँ पे दर्ज की थी आपका। केरल और बिहार सबसे ज़्यादा इसमें टॉप है आपराधिक दर्ज मामले इनके ऊपर की गई। और यहाँ पे बात करते हैं मैं केरल की, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राजनाथ सिंह ने जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कितनी योजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया है, 25, 30, 36 या इनमें से कोई नीतीश का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश साथ ही साथ और अगल बगल के जो जिलों में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 36 योजनाओं की इन्होंने उद्घाटन किया है। ये जो योजनाओं हैं सड़क पुल निर्माण को लेकर, हवाई क्षेत्र और हेलीपैड बनाने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे भवन निर्माण करने के लिए योजना, 30 प्रकार के टोटल यहाँ पे योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया गया है, तो इसको याद रखिए। बात करते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की राजधानी ईटानगर और पेमा खांडू जी यहाँ के अभी सीएम हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर भारत का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कहाँ पे शुरू किया गया है, तो अंबाला या आपका हरियाणा माता, इसको याद रखिएगा। तो हाल में जो हरियाणा के जो अंबाला में जो कि उत्तर भारत का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे अस्पताल भी यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। तो आपका होम्योपैथिक इलाज क्या होता है, तो होम्योपैथिक होता है आपके जिसमें जो बुखार खांसी गठिया डायबिटीज वगैरह ये सभी संबंधित यहाँ पे इलाज किया जाएगा। तो इलाज के साथ साथ यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया जाता है, यहाँ पे इस बीमारियों का इलाज किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में इसमें इलाज किया जाए, लगभग स्टार्टिंग में 100 सीट से प्रारंभ किया गया है और यहाँ पे लगभग 65 करोड़ रुपये लागत से इसको तैयार किया गया था, और 20 से 100 बिस्तर वाला अस्पताल यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। और हरियाणा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ के जो मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के मुख्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको एतिहाद एवरेज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है, तो कैटरीना कैफ जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस है इनको सभी जानते होंगे। तो एतिहाद एवरेज क्या है, तो आपके विमान कंपनी है जो कि हमारे भारत में 8 शहरों में, या आपका एयरलाइन कंपनी है जो कि 8 शहरों में अपने हवाई जो उड़ानें चलाती है, तो इसी के कंपनी के एक जो इनको ब्रांड एम्बेसडर, या आपका दूसरा बार इनको पहले भी थी अभी और फिर से इनको बढ़ा दिया गया, तो 2 साल के लिए पहले भी थी, अब पूरा फिर से इनको नियुक्त किया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो आपका जो एहतियात एवरेज ने इसकी घोषणा हाल ही में की गई है, तो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट भी आपको कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा, तो आपका कंपनी को प्रमोट करने के लिए सब इनको साथ समझौता करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए कितने वैज्ञानिकों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, तो लगभग 12 2022 के लिए लगभग 12 वैज्ञानिकों को जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया, तो सभी युवा जो वैज्ञानिक है, तो आपका शोध के लिए जो वैज्ञानिक जो है इनको उनके कार्य के योगदान के लिए जो पुरस्कार इनको दिया जाए, जो हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको ये जो आवाज़ है इनको ये पुरस्कार इनको पुरस्कृत किया गया है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में झींगा किसान सम्मेलन 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन से राज्य में किया जाएगा, तो 14 सितंबर 2023 को इसका किया जाएगा, तो आपको गुजरात की राजधानी गांधीनगर और यहाँ के भूपेंद्र जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ में जो एक झींगा किसान जो सम्मेलन है यहाँ पे किया जाएगा, दूसरा संस्करण है, तो 14 सितंबर को आज के दिन यहाँ इसका आयोजन किया जाएगा उद्घाटन। ये खास करके जो एक्वा कल्चर जो फसल है बीमा पे विशेष सत्र रखी गई है, और झींगा मछली के बीच गुणवत्ता को बात करना है, उस पर उस उद्देश्य पे काम करना है और गुणवत्ता पे अच्छे फोकस करना है, और ख़ास करके जो मत्स्य पालन में और इसको बढ़ावा देना है, जो मत्स्य पालन जो डेयरी मंत्री जो पुरुषोत्तम रूपाला जी इसका उद्घाटन करेंगे इस सम्मेलन का, इनके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, तो 14 सितंबर 2023 को इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा, तो खास करके जो मत्स्य पालन मछली उत्पादन के जो सम्मेलन रखी गई है, 3 मुद्दों पर चर्चा किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है 14 सितंबर को बिना रिफाइनरी जो है आपके कहाँ पे स्थित है, एमपी में स्थित है, याद रख बिना रिफाइनरी तेल
बनाने वाली एक कंपनी है। तो बिना रिफाइनरी में एथिलीन क्रैकर परियोजना का शिलान्यास कौन करेंगे? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शिलान्यास उद्घाटन किया जाए। ये खास करके जो बिना रिफाइनरी में विस्तार में लगभग 49,000 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया जा रहा है, और जो पेट्रोकेमिकल की आधारशिला रखेंगे नरेंद्र मोदी बिना जो एक जो रिफाइनरी स्थापित कंपनी है, जो तेल रिफाइनरी कंपनी है, जो BPCL इसकी सहायक कंपनी और इसकी 2011 में स्थापना किया गया, तो ये आपका तेल रिफाइनरी, इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा? तो ये आपके मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा सहकारिता विश्वविद्यालय। देखिए जो ग्रामीण जो बैंक होते हैं गाँव में जो, तो ये खास करके उस पर काम करना है और इसको और अच्छे से डेवलप करना है, पिछड़ती जा रही है इसको आगे लेके बढ़ाना है। तो इसी तरह से विश्वविद्यालय को सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू करने जा रही है मध्य प्रदेश में, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में कितने स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति किए हैं इनके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही जो कर्नाटक के जो उच्च न्यायालय में 2 स्थायी न्यायाधीश नियुक्त इनके द्वारा किया गया है। तो आपके जो 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 रायना जो रामनाथ हेगड़े जी और आपका श्रीधरन जो हेमलेडे जी, आपका रामनाथ हेगड़े और श्रीधरन जो हेमलेडे जी, इनकी इन दोनों का इनका जो स्थायी न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया है आपके कर्नाटक उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ITIA अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रेटेड एजेंसी ने 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जो प्लेयर हैं सिमोना हालेप के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए खेल के डोपिंग रोधी प्रोग्राम के उल्लंघन के कारण उन पर पेशेवर टेनिस ने कितने साल का बैन लगा दिया है? तो आपके 4 साल के लिए इनके ऊपर बैन लगाया गया है। तो आपके जाने माने टेनिस प्लेयर हैं, तो जो टेनिस जो संघ है इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रेटेड एजेंसी ने 2 बार जो ग्रैंड स्लैम जो विजेता है चैंपियनशिप सिमोना हालेप इनके खिलाफ ये आपका 4 साल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 4 साल के लिए जो डोपिंग एजेंसी ने नियम वगैरह को उल्लंघन करने के लिए इन पर बैन लगाया है। तो यह खास करके नियम वो बहुत सारे जो प्लेयर होते हैं इनके ऊपर जो खिलाड़ी जो प्लेयर होते हैं इन लोग के बहुत ही नियम वगैरह रहते हैं, तो कुछ भी जैसे आप नियम उल्लंघन करते हैं तो जो डोपिंग एजेंसी होती है आप इस पर कड़ी नज़र रखती है, जैसे नियम को उल्लंघन करते हैं तो आपको इस पर बैन लगा दी जाती है। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए थैंक यू।